हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। तो रक्त एक तरल सजीव ऊतक होता है जो कि यह जल से भारी होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो आइए हम डिटेल में समझाते हैं। तो रक्त एक तरल सजीव ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है और यह जल से थोड़ा भारी भी होता है। रक्त रक्त दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और कलिकाएं। प्लाज्मा शरीर का 55% भाग होता है और कलिकाएं शरीर का 45% भाग होता है। और रक्त का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स आदि पदार्थों का परिवहन करना। जैसे कि हम लोग अपना ऐसे हाथ रगड़ेंगे तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है और हाथ को जैसे ही हम लोग रगड़ना बंद कर देते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, जो कि यह रक्त के परिवहन के कारण होता है। जब रक्त हमारा जाता रहता है तो 180 के स्पीड से जाता है, और आता है तो 80 की स्पीड में आता है। इसीलिए हम लोग जब हाथ रगड़ते हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है और जैसे ही हम लोग अपना हाथ रगड़ना बंद कर देते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। तो इसमें आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि आज से मैं वीडियो बनाने प्रारंभ कर रहा हूँ तो आप लोग को मैं ऐसी ऐसी वीडियो चलाते रहूंगा। तो कलिकाएं 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है ईंधन ग्लोबिन, जिसका अर्थ होता है लौह युक्त प्रोटीन। लाल रक्त का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा होता है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना।